हेलो एवरीवन, आज हम लोग मोशन ऑफ द अर्थ और सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समर सोलस्टिस जून से। ओके, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने कहीं जगह पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ पे कुछ कभी हमारे जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, या रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटे होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, उन्हीं पॉइंट्स को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक रोटेशन और दूसरा हमारा रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब जब अर्थ जो है वो अपनी ही एक्सेस पे रोटेट करती है, ठीक है, तो उसको रोटेशन कहते हैं। अर्थ जो है हमारी वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है, और उसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है 24 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड। ठीक है, ये एक्चुअल में लगता है उसको। लेकिन अगर हम उसको एक सर्किल मान लें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री के रोटेट 1 डिग्री रोटेशन के लिए चाहिए 4 मिनट। ठीक है, तो 360 के लिए आएगा हमारा 360 मल्टीप्लाइड बाय 4, और अगर इसको हावर्स में चेंज कर दें तो हमारा आ जाएगा 24 आवर्स। ठीक है, तो इतना हम सब जानते हैं कि हमारे अर्थ को अपनी ही एक्सेस पर रोटेट करने के लिए लगते हैं 24 आवर्स। अब आता है रेवोल्यूशन का केस। रेवोल्यूशन मतलब वो होता है जब हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और ये देखिए, अर्थ जो हमारी 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। अब हम बात करते हैं समर सोलस्टिस की। पहले समझते हैं सोलस्टिस क्या होता है। ठीक है, अगर हम बात करें समर सोलस्टिस की, समर सोलस्टिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर, मीनिंग इट हैज द मोस्ट आवर्स ऑफ सनलाइट। एंड इफ वी टॉक अबाउट द विंटर सोलस्टिस, देन द विंटर सोलस्टिस इज द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर एंड हैज द फ्यूएस्ट आवर्स ऑफ डे लाइट। सोलस्टिस हैपेंस ड्यू टू द वे ऑफ अर्थ सर्कल्स और ऑर्बिट्स द सन। ओके, तो होता बेसिकली क्या है कि 21 या 22 जून को, ठीक, जो हमारी सन की रेज हैं, ठीक, वो जो है सीधे अर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ जो हमारा कैंसर होता है उस पर आके गिरती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब हमारी सन रेज ज़्यादा गिरती हैं, ठीक, तो यहाँ पे हमारे दिन जो होते हैं देख सकते हैं यहाँ बड़े होते हैं, और जो रातें होती हैं वो छोटी होती है। ठीक है, और इसी पूरी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं समर सोलस्टिस। इसी के ठीक अपोजिट यानी कि विंटर में, ठीक है, या दिसंबर के महीने में होता क्या है कि जो हमारी सन की रेज हैं, ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं सीधी यहां पड़ रही हैं, ये देखिए सन की रेज जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं। ठीक, तो होता क्या है कि यहां पे हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, और ठीक इसका अपोजिट ये यहाँ साउदर्न हेमिस्फीयर पे हो रहा है ऐसा, और ठीक इसका अपोजिट यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे जो रातें होती हैं बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सर्दियों में हमारे यहाँ रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया है उस वहां पे जो क्रिसमस डे का सेलिब्रेशन होता है वो भी गर्मियों में होता है। ठीक, अब बात करते हैं ये इक्विनॉक्स की। बेसिकली होता क्या है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक, सितंबर और मार्च को हमारे जो सन होती है, सन की रेज जो होती है वो अर्थ के एक हिस्से पे पूरी पड़ती है। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ द अर्थ पे डायरेक्टली सन रेज पड़ेंगी, तो इससे क्या होता है, हाफ ऑफ द अर्थ पे डे होता है और उसके अपोजिट हाफ में नाइट होती है। ठीक है, तो इसी इस दिन क्या होता है कि हमारे डे और नाइट बराबर होते हैं। ठीक, इसी को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं इक्विनॉक्स मार्च 21 सन ओवर इक्वेटर। ठीक, सन की रेज जो है एक हिस्से पे डायरेक्ट पड़ती है। ठीक, ये होते हैं इक्विनॉक्स की कंडीशन। और हमने यहाँ देखा है कि जो हमारा ये सोलस्टिस है जून 21, इसको कहते हैं समर सोलस्टिस, और जो दिसंबर 21 है ये हमारा है विंटर सोलस्टिस। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।